The action. Hi guys, welcome back to my universe. So आज है फूडी फ्राइडे. So मैंने सोचा है कि मैं बहुत regular नहीं हूँ on YouTube. I thought let's come up with something which will make me also regular and जिससे आप भी बहुत excited होगे कि okay Friday है कुछ आएगा hopefully. So I'm starting with foodie Friday जहाँ मैं Fridays को I will cook something या मैं कहीं बाहर जा रही हूँ तो anything related to food, anything and everything related to food. तो या तो मैं कुछ cook करूँगी, कुछ bake करूँगी, या फिर अगर मैं कहीं जा रही हूँ restaurant तो reviews दूंगी and क्या खाया वो बताऊँगी. So everything related to food. एंड मैं फ्राइडेज को इसलिए कर रही हूँ बिकॉज वीकेंड आएगा. सो अगर आपको कहीं जाना है ऑन वीकेंड्स या आपको कुछ बनाना है ऑन वीकेंड्स तो आपके पास एक दिन पहले से वीडियो रेडी रहेगी. सो लेट्स गेट टू इट. होपफुली आई विल बी रेगुलर. एनीवे, सो आज मैं बना रही हूँ एक मॉम की फेवरेट डिश, दैट इज बनाना वॉलनट लोफ या बनाना वॉलनट केक. तो मैं आज दोनों टाइप का बनाऊंगी, एक लोफ भी बनाऊंगी उसका सो दैट आई कैन स्टोर इट और एक केक भी बनाऊंगी बिकॉज मदर्स डे है एंड मुझे कुछ स्पेशल करना था मॉम के लिए एंड आई डिसाइडेड टू मेक व्हाट शी वांट्स टू ईट सिंस अ लॉन्ग टाइम. तो लेट्स गेट टू इट. फर्स्ट एपिसोड, आई एम एक्साइटेड. तो चलो बनाते हैं वीगन एगलेस एंड होल व्हीट बनाना वॉलनट केक. तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए. हमें चार बनानास चाहिए, अराउंड 300 ग्राम्स होल व्हीट फ्लावर 1 कप, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, शुगर 1/2 कप, न्यूट्री फ्लेवर्ड ऑयल 2/3 कप, वेनिला एक्सट्रैक्ट 1 टीस्पून, वॉलनट्स 10 रफली चॉप्ड. तो सबसे पहले मैंने दो बोल्स ले लिए हैं, एक फॉर वेट इंग्रेडिएंट्स और एक फॉर ड्राई इंग्रेडिएंट्स. मैं ओवरराइप फ्रोजन बनानास यूज कर रही हूँ. तो घर में जब भी बनानास ओवरराइप हो जाते हैं मैं उसे एक कंटेनर में फ्रीज कर देती हूँ. पर आप जब भी केक बना रहे हो उसे एडवांस में निकाल के रख लेना वरना मेरी तरह थॉ नहीं होंगे. तो तब तक लेट्स ग्राइंड शुगर. शुगर के लिए मैं 1/2 कप प्रॉपर मेजरिंग कप यूज कर रही हूँ टू मेजर. 1/2 कप ऑफ शुगर यूज कर रही हूँ, ग्रैनुलेटेड शुगर यूज कर रही हूँ और इसे हम ब्लेंड करेंगे ताकि ये बनाना प्यूरी में अच्छे से इमल्सिफाई हो जाए ऑयल और प्यूरी के साथ. आप इसे चटनी वाले ग्राइंडर से भी ग्राइंड कर सकते हो. अगर आपके पास सिमिलर ब्लेंडर है तो आप ये वाला अटैचमेंट यूज करना, इससे प्रॉपरली ग्राइंड हो जाता है, काफी फाइन हो जाता है. हमें फाइन चाहिए वरना वो मिक्स नहीं होगा. तो ये थोड़ा सा थॉ हो गया है बट हमें ना बहुत प्रॉपर प्यूरी चाहिए विदाउट लम्स. सो आई थिंक आई विल ब्लेंड ओनली एवरीथिंग तो अच्छी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी आ जाएगी. सो नेक्स्ट इसमें डालना है 1 टीस्पून ऑफ वेनिला एक्सट्रैक्ट. अब हमें ऑयल डालना है तो मैं न्यूट्रल ऑयल में ऑलिव ऑयल यूज कर रही हूँ एंड दिस इज द बेस्ट वे टू पोर ऑयल विदाउट स्पिलिंग इट आउटसाइड. बहुत मैसी हो जाता है, अभी भी देखो थोड़ा मैस हो गया है. फिर एड शुगर टू इट एंड ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड. तो ये काफी थिक प्यूरी होती है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है ब्लेंडिंग में. लुक एट माई फेस, लुक एट मी स्ट्रगलिंग. सो लेट मी गिव अ क्विक रीकैप ऑफ हाउ टू मेक बनाना प्यूरी. मैश 4 मीडियम टू लार्ज राइप और ओवर राइप बनानास विद अ फोर्क टू अ स्मूथ कंसिस्टेंसी. आई हैव यूज्ड ओवर राइप फ्रोजन बनानास फॉर दिस रेसिपी. द टिप इज कंसिस्टेंसी शुड बी स्मूथ विदाउट एनी चंक. सो इफ नीडेड यू कैन ऑल्सो यूज अ ब्लेंडर टू मैश द बनानास. नेक्स्ट एड 1/2 कप ऑफ शुगर, एनी न्यूट्रल फ्लेवर्ड ऑयल 2/3 कप, आई हैव यूज्ड ऑलिव ऑयल, 1 टीस्पून ऑफ वेनिला एक्सट्रैक्ट. मेक श्योर द प्यूरीज कंसिस्टेंसी इज रियली स्मूथ जस्ट लाइक सो. Now keep this bowl aside and quickly go and subscribe to the channel and give this video a big thumbs up. Mwah! अब हम सारे dry ingredients add करेंगे. तो 1 कप गेहूं का आटा यानी whole wheat flour, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, pinch of salt and 1/2 टीस्पून ऑफ कोको पाउडर which is optional. Now give it all a good mix. अब हम banana puree and dry ingredients को mix करके batter बनाएंगे. तो एक बड़े बोल में मैं बनाना प्यूरी पहले डाल रही हूँ. तो द बेस्ट मेथड ऑफ
mixing the ingredients is to add the dry ingredients into the wet ingredients. अगर आप ज़्यादा बर्तन नहीं करना चाहते तो पहले से ही wet ingredients इस बड़े bowl में ही बना दीजिए और दूसरा bowl use किए बिना dry ingredients directly इसमें ही add कर लीजिए. ड्राई इंग्रेडिएंट्स प्रेफरेबली एक छन्नी या सीव यूज़ करके वेट इंग्रेडिएंट्स में ऐड कर लीजिए ताकि लम्स ना क्रिएट हों, वरना काफ़ी लम्पी बन जाता है बैटर. और कट एंड फोल्ड टेक्निक को यूज़ करके हमें इस बैटर को मिक्स करना है. अगर आपका बैटर भी मेरे बैटर की तरह थोड़ा थिक बना है तो आप इसमें दूध ऐड कर सकते हैं, एंड अगर वीगन रेसिपी बना रहे हो तो आप इसमें आमंड मिल्क या कोकोनट मिल्क ऐड कर सकते हो. हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए तो ही हमारा केक सॉफ्ट एंड मॉइस्ट बनेगा. तो लेट्स मूव ऑन टू बेकिंग. पहले आपके ओवन को प्री हीट कर लीजिए. अब ओवन प्री हीट हो चुका है एंड आई एम क्विकली एडिंग फ्यू वॉलनट्स इन द बैटर एंड उसको थोड़ा सा लाइटली मिक्स करूंगी. सो हॉट, आई थिंक दिस इज अनाफ. एंड ऊपर से थोड़ा सा वॉलनट्स गार्निशिंग के लिए भी रखूंगी. सो लेट्स एड द वॉलनट्स. अभी थोड़ा सा ऑयल डाला है मैंने एंड यूजिंग दिस ब्रश मैं इसको अच्छी तरह से ऑयल लगा दूंगी ऑल कॉर्नर्स. अच्छे से लगाना वरना निकलेगा नहीं केक. तो मैं लोफ में भी बना रही हूँ सो दैट उसको स्टोर करके रख सकें. अभी केक कट करेंगे आज एंड रोज चाय या कॉफी के साथ वील हैव दिस बनाना एंड वॉलनट. आई थिंक मैं सोची थी एक्चुअली इसमें थोड़े से चॉकलेट पीसेस भी डालूं लेकिन वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है ऑन द पैलेट. नेक्स्ट टाइम आई एम मेकिंग चॉकलेट चिप केक और समथिंग लाइक दैट. नाउ इट्स टाइम टू पोर द बैटर इनटू द कंटेनर्स. तो फाइनली मैंने केक ओवन में डाल दिया है एंड 180 डिग्री पे 45 मिनट्स के लिए रखना है, पर मैंने 30 मिनट्स के लिए रखा है. फिर मैं चेक करूंगी टूथपिक डाल के, क्योंकि एक दो बार मेरे जल गए थे केक्स बिकॉज कंसिस्टेंसी अलग होती है तो कभी कभार जल्दी कुक हो जाता है. सो यस, व्हाइल बेकिंग आपके केक को चेक करती रहिए. अगर ऊपर से कुक्ड है और कुक लग रहा है तो एक टूथपिक यूज करके आप चेक कर सकते हो बैटर में डालकर. अगर बैटर बिल्कुल स्टिक नहीं होता टूथपिक पे, मींस योर केक इज रेडी. इससे आपका केक जलेगा भी नहीं. मेरे टूथपिक पे बिल्कुल बैटर स्टिक नहीं हो रहा तो मेरा केक रेडी है. सो लेट्स गेट टू इट. अब डेकोरेट करते हैं एंड मॉम को सरप्राइज करते हैं. वाओ, बहुत गर्म है. क्या फ्रेश है इसका? परमानेंट नहीं होता है.
लुक्स लाइक ये काफी अच्छा बना है. लुक एट देयर हैप्पी फेसेस एंड दे वेरी वेरी क्यूट. मेरे नेबर सचिन भैया भी आए थे तो मैंने उन्हें भी दो पीसेस दिए हैं एंड लेट्स सी हाउ ही लाइक्स इट. शूटिंग एंड कुकिंग इज सो डिफिकल्ट. मैं देखता रुक. अरे सब ऑन है और कुछ नहीं करना. नहीं वो बोल रहा है उसके पीछे हैप्पी मदर्स डे. मुझे बताना कैसा बना है. कमेंट करके बताना कैसा बना है. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज. मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने ये रेसिपी ट्राई की है या नहीं और कैसी बनी है. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो बिग 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 थम्स अप देना और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ.